अविनाश, एलिस और ईशा को फिलहाल में बहुत ज़्यादा हेट मिल रहा है उनके इस वीडियो क्लिप की वजह से, जहां पर देखने को मिल रहा है कि आधी रात को अविनाश जो है वो ईशा और एलिस के बीच में सोए हुए हैं, जहां पर वो आधी रात को ईशा को ईशा के गाल को सहलाते हुए नज़र आ रहे, वही उनके माथे पर से बाल हटा रहे। और कहीं ना कहीं जैसे एक कपल के बीच प्यार होता है, आधी रात को वो एक दूसरे को की केयर करते नज़र आते, उन्हें सहलाते हुए नज़र आते हैं, कुछ वही करते नज़र आए यहाँ पर अविनाश, जहाँ पर ईशा तो सोई हुई थी पर अविनाश उनके माथे पर हाथ फेर रहे थे, उनके गाल पर हाथ फेर रहे थे। और इसे देखकर कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा हेट दिया जा रहा कि बिग बॉस आखिर ये कर क्या रहा, बिग बॉस इस टाइप की चीज़ें क्यों अलाउ कर रहा होने के लिए और इस तरीके की चीज़ें को क्यों प्रोमोट कर रहा। जी हाँ दोस्तों, कहीं ना कहीं ये बहुत ही गलत मैसेज यहाँ पर स्प्रेड हो रहा फिलहाल में इस वीडियो की वजह से, जहाँ पर अविनाश, एलिस और ईशा के बीच जो भी रिलेशनशिप्स है, जहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज नज़र आते हैं, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं बताया जा रहा। और फिलहाल में इसी की वजह से अविनाश, ईशा और एलिस को बहुत ही ज़्यादा हेट भी दिया जा रहा है। इससे पहले एलिस और अविनाश को एक दूसरे के साथ कडलिंग करते हुए देखा गया था, आधी रात को एक दूसरे के साथ चिपक कर सोते हुए, जहाँ पर एलिस जो है वो अविनाश से चिपक कर सोई हुई थी, उनके छाती पर हाथ रख कर पैर भी उनके सटे हुए थे या फिर चढ़े हुए थे, कुछ इस तरीके का सीन यहाँ पर देखने को मिल रहा अविनाश, एलिस और ईशा के बीच। पर बिग बॉस इसके बारे में न तो बात कर रहा और न ही ये जब ईशा की माँ एंट्री की इस वीकेंड के वार पर, तो ईशा की माँ ने भी ईशा को एक बार भी नहीं बोला कि तुम्हें अविनाश से इस तरीके से दूरी थोड़ा बनाकर रखना है, उसके साथ चिपक कर नहीं सोना है, इससे अच्छा इंप्रेशन नहीं जा रहा, ऐसा कुछ भी क्या वार्निंग नहीं दिया ईशा की माँ ने। और इस वजह से ईशा की माँ को भी, उनकी उसकी फैमिली को भी काफ़ी ज़्यादा हेट देखने को मिल रहा फिलहाल। दोस्तों आप क्या सोचते हो, क्या अविनाश, ईशा और एलिस को इस तरीके से चिपका चिपकी करना चाहिए या फिर थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि एक नेशनल टेलीविज़न है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।